हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास. टुडे आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड्स के बारे में. ये आपके बायोटेक्नोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट का टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम पार्ट 10th है. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया. आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं. केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं. केमिकल बॉन्डिंग क्या है? अ कॉमन एटम कंटेंट्स अ न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये हम सभी अच्छे से जानते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि एटम किससे बना हुआ होता है? न्यूक्लियस से. सॉरी, एटम में क्या होता है? एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. और जबकि यही प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अपने कुछ एनर्जी लेवल्स में. ओके, इन दिस सेक्शन द मेन फोकस विल बी ऑन दिस इलेक्ट्रॉन. हम आज के इस सेक्शन में केमिकल बॉन्डिंग में मेनली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. एलिमेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन के बादल पाए जाते हैं. या तो उस एरिया से वेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या तो वो इस वजह से भी अलग होते हैं क्योंकि उस एरिया पर या उस जगह पर आधारित होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं. बिकॉज ईच एटम हैज़ अ डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड. हर एटम के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, हर एटम के पास अपना एक स्पेशल या विशेष इलेक्ट्रॉन बादल होता है. दिस डिटरमाइंस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज द एक्सटेंट्स ऑफ देयर एक्टिविटी. इस पर ही आधारित होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक क्योंकि प्रत्येक तत्व में एक अलग इलेक्ट्रॉन बादल होता है. यह उनके रासायनिक गुणों के साथ साथ उनकी प्रतिक्रियाशीलता का सीमा निर्धारित करता है. यानी महान गैसेस जैसे निष्क्रिय है रासायनिक संबंध में केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. किसी तत्व के सबसे बाहरी ऊर्जा स्तर वैलेंस शेल की कक्षीयता में स्थित इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं. अब क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स के ना बादल होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और उनकी रिएक्टिविटी को. अब केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जो इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन द ऑर्बिटल्स ऑफ द आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट आर इन्वॉल्व. केमिकल बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन्स ही शामिल होते हैं? हम केमिकल बॉन्डिंग अगर करने जाएंगे तो वहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेंगे? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स के आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल जिसे वैलेंस शेल कहा जाता है तत्व का, वहाँ पर अगर वो आधारित है, अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट है, स्थित है, तब ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम यूज़ करेंगे, उनका ही उपयोग करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में. अब केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअल में क्या है? जब भी दो एटम या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे से बंध जाते हैं तब वह बंधते हैं एक बांध के द्वारा जिसे केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दी थी तो आप उस वीडियो में जाकर केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन देख सकते हैं. मॉलिक्यूल्स में केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन दी गई है. लेविस डायग्राम. अब यहाँ पर हमें लेविस के डायग्राम के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है? आगे जब उसकी डिटेल आएगी आपको पता चल जाएगा. लेविस डायग्राम्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. लुईस डायग्राम को लुईस आरेख भी कहा जाएगा. हिंदी में अगर आपको डायग्राम का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा उसका मतलब है आरेख. अब लुईस आरेख या लुईस डायग्राम आरेख तत्वों
और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के चित्रमय अभ्यावेदन है। वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स का और उनमें पाए जाने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट फॉर्म द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। मैंने जैसे बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटरमोस्ट शेल बनाते हैं एटम का। इन अ लेविस डायग्राम ऑफ एन एलिमेंट के लेविस डायग्राम में द सिंबल ऑफ द एलिमेंट इज रिटन इन द सेंटर। जो एलिमेंट का सिंबल होता है, जैसे कि समझ लीजिए हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल है H, अगर सोडियम है तो उसका उसका सिंबल है Na, क्लोरीन है तो उसका सिंबल है Cl, तो उसे हम बीच में सेंटर में लिखेंगे। जबकि एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन अराउंड इट एज अ डॉट्स। जबकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से, जो आउटरमोस्ट शेल में पाए जाने वाले एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम डॉट से, बिंदुओं से रिप्रेजेंट करेंगे। किसके आसपास? सिंबल्स के आसपास। बिलो इज द पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ग्रुप कितने हैं। अगर हम ग्रुप फर्स्ट ए देखेंगे तो वहाँ पर 1-1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आप ग्रुप सेकेंड ए देखेंगे तो वहाँ पर 2-2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि ग्रुप थर्ड ए देखेंगे, यहाँ पर 3-3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप फोर्थ देखेंगे, वहाँ पर 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आपको याद रहेगा कि कौन से में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कौन से एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन है तो वहाँ पर तो सिर्फ प्रोटॉन में ही प्रोटॉन ही होते हैं, तो उसका अलग, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अगर आप बोरोन में आते हैं या सोडियम यहाँ पर आते हैं, क्लोरीन में आते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद है तो आपको पता रहेगा कि उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, मतलब उनके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लिया, फिर हमें केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए ऑक्टेट रूल भी पता होना चाहिए। ऑक्टेट नियम इस प्रकार है, मोस्ट एलिमेंट्स फॉलो द ऑक्टेट रूल इन केमिकल बॉन्डिंग। बहुत सारे तत्व ऑक्टेट नियमों पर आधारित होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। विच मीन्स दैट एन एटम शुड हैव कॉन्टेक्ट टू 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड और एग्जैक्टली फिल अप इट्स वैलेंस शेल। अधिकांश तत्व रासायनिक संबंध में अष्टम नियम का पालन करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि एक तत्व को एक बांड में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से संपर्क करना चाहिए या वास्तव में अपने वैलेंस खोल को भरना चाहिए। हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल इंश्योर्स दैट द एटम इज स्टेबल। जिन भी वैलेंस शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स स्थित होंगे वह ये दर्शाएगा कि एटम स्टेबल है, मतलब वो स्थिरता में है। दिस इज द रीजन व्हाई नोबल केसेस अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आर केमिकली इनर्ट। यही कारण है नोबल गैसेस का कि उनकी बाहरी शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वह किसी और केमिकल्स के साथ या किसी और रसायन के साथ रिएक्शन नहीं बताते हैं। दे आर ऑलरेडी स्टेबल, वह ऑलरेडी स्थिर हैं एंड टेंड टू नॉट नीड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन बॉन्डिंग विथ अनदर एटम इन ऑर्डर टू बी स्टेबल। उन्हें अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन ना देने की ना ही लेने की जरूरत है, जिस कारण वो स्टेबल बने या स्थिर बने, क्योंकि वो उनके पास ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में हैं, जिस कारण वह उनके पास पहले से ही स्थिरता देखी गई है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर क्षार धातुओं, अल्कली मेटल्स हैव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्षार धातुओं में वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, उनमें हमेशा वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन देखा जाता है।
सिंस दे वॉन्ट टू कम्प्लीट द ऑक्टेट रूल, उन्हें अपना ऑक्टेट रूल को, ऑक्टेट नियम को पूरा करना है, इसलिए वह दे ऑफन सिंपली लॉस वन इलेक्ट्रॉन, इसलिए वह अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देते हैं। दिस मेक्स देम क्वाइट रिएक्टिव, इस कारण वह बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव बन जाते हैं। यह समूह आये तत्वों में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गुणों को बताता है। दिस एक्सप्लेन्स द हाईली रिएक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट। ये जो फर्स्ट ए एलिमेंट देखेंगे ना, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिस कारण वो आराम से ऑक्टेट रूल को, ऑक्टेट नियम का पालन कर सकें। अब केमिकल बॉन्डिंग्स, बॉन्ड्स चार तरह के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन चारों बॉन्ड्स का आपके डिस्क्रिप्शन, आपके सिलेबस में टॉपिक है, पर्टिकुलर एक एक नाम से है, तो आप सभी को अलग अलग वीडियोस की दी जाएगी और आपको कंटिन्यूएशन में ही केमिकल बॉन्ड्स में इन चारों को भी लिखना है। और अगर आपको शॉर्ट नोट में सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स आ जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आ जाए या हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाए, तब आपको सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ही देना है। अगर पूरा क्वेश्चन एक 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आपको केमिकल बॉन्ड्स पर आ जाता है, तो आपको पूरा आंसर इसी पर ही आधारित रहेगा। मतलब आप टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो आगे आने वाली वीडियो है उसको भी अच्छे से पूरा लिखेंगे। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।